हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ सबसे बढ़िया और सिंपल से मेथी के पराठे, जो कि सर्दियों में बहुत बनते हैं सभी के घरों में। तो बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो गाइस, मैंने मेथी ली थी, हरी मेथी जो होती है, जो साग वाली मेथी होती है वो लेनी है आपको, और उसे कट कर लेना है, रफली चॉप करना है। अगर नहीं भी करोगे तो भी ऐसे भी चलेगा। फिर आपको उसमें ऐड करना है आटा, और मेथी के पराठे हैं इसलिए मैंने मेथी खूब ढेर सारी डाली है, आटे को थोड़ा कम डाला है क्योंकि जितने पराठे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आटा लेना है। साथ में प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, और डाला है खूब सारा ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि आजकल ठंड के मौसम में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन से पराठों में। साथ में डालेंगे हींग, ताकि जो हम खाएं पराठे तो वो डाइजेस्ट हो जाए। फिर डालिए थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, अगर आपके पास काली मिर्च तो उसे कूट कर डालना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर डालना है टेस्ट के लिए नमक, और नमक डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है, फिर आपको आटे का डो लगाना है। तो ये जो आटा है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे आप, और धीरे धीरे से इसे एक साथ मिक्स करना, और ये बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और मैंने इसमें प्याज डाला है तो वो भी पानी छोड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पानी डालना है। मिक्स करना है अच्छे से चीज़ों को, फिर पानी डालना है, फिर मिक्स करना है, और बहुत ही बढ़िया सा जो हमारा आटा वो लगकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा आटा जो है अभी फटाक से लग जाएगा। ये ना बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ही सिंपल सी इजी रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी है। तो आप इसे कम ऑयल या बटर या बिना ऑयल के भी बना के खा सकते हो, अगर आपको हेल्दी बनानी है इसको। मतलब एक तरीके से रोटी जैसी टाइप की बना सकते हो तो सही रहेगा। और जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं खाते हैं काफ़ी चीज़ें, तो आप ना बच्चों को हमेशा पराठे इसी तरीके से बनाकर खिलाएं। उसमें खूब सारा वेजिटेबल या तो कद्दूकस करके उसमें स्टफिंग कर दीजिए, या फिर इस तरीके से डाल दीजिए जिसे बच्चे खाते। तो अभी हमने आटा लगा लिया था, आपको गोल गोल सा एक लड्डू टाइप का पेड़ा लेना है आटे का। फिर इसमें आपको सूखा आटा लगाना है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे आटे को ताकि ये चिपके ना बेलते वक्त, या फिर आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाकर भी इसे आराम से बेल सकते हो। वैसे मैंने सूखा आटा लगाया है, और अब मैं इसको आराम से हल्के हाथों से बेलूंगी ताकि ये चिपके ना। और जब ये अच्छे से बेल जाएगा इसे हम सेक लेंगे। आपको इसे थोड़ा सा पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, कहीं पापड़ ही ना बन जाए। तो गाइस देखिए, मैंने इस टाइप से आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा बेला है। अगर प्रॉपर गोल शेप चाहिए तो आप किसी भी चीज़ से इसे कट कर सकते हैं, मैंने नहीं कट किया है। और अभी मैंने तवा चढ़ा दिया है, इस पर डाल दिया पराठा, और एक साइड से पराठा हमारा जब तक सिक रहा है, और जब वो सिक जाएगा तब हम इसे दूसरे साइड से पकाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा पक गया है। इस साइड लगाएंगे हम बढ़िया सा सरसों का तेल। देखिए जब भी ना इस टाइप के पराठे बनाओ ना, सरसों का तेल लगाओ, और फिर जब वो पकता है ना पराठा तो इतना टेस्टी स्मेल आता है, एकदम खुशबू आती है मेथी के पराठों की, इतनी बढ़िया, मतलब स्मेल करके ही मन कर जाता है कि खा ले बस, मतलब कि खाने का मन करता है। और फिर इसे पलटेंगे, और फिर दूसरी साइड ही खूब सारा सरसों का तेल लगाना है, और इसे अलट पलट करके आपको अच्छे से सेक देना है, और हमारा जो मेथी का पराठा वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। बस गाइस ध्यान रखिएगा कि आप इसे थोड़ा ज़्यादा पतला ना बेलें, क्योंकि फिर ये पापड़ जैसा बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ठीक बेलना है, मतलब थोड़ा मोटा ही बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं। और ये देखिए हमारा जो पराठा है वो बढ़िया सा तैयार हो गया है, और खाओ पियो मज़े करो, फैमिलीज को फ्रेंड्स को बना के खिलाओ, खुद भी खाओ, बहुत हेल्दी पराठा भी है क्योंकि ये, इसलिए इसे ज़रूर बनाएं सर्दी, और बहुत ही बढ़िया बनता है। गाइज देखिए हमारा जो पराठा है वो कितना बढ़िया से पक रहा है, आपको भी इसी तरीके से बढ़िया पकाना है। और ये देखिए चारों तरफ से पकाना है, क्योंकि अगर एक ही साइड से पक जाएगा, साइड से नहीं पकेगा तो फिर आपको थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा। और ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल ऑलमोस्ट पक चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी।
से पलट के, और ये देखिए हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे करेंगे सर्व। तो ये देखिए पराठा बहुत ही बेहतरीन सा बन गया है, और इसे मैंने सर्व किया है छाछ के साथ, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझे इस तरीके से पराठा छाछ वगैरह लस्सी के साथ देती थी, मुझे बहुत पसंद है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपने ये पराठा खाया है या नहीं, और कोई पराठे की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट करना। बाय बाय फ्रेंड्स।